नमस्कार, मैं हूँ हीरा योगी। आज मैं हूँ हरिद्वार, जिसपे कहते हैं कि हरि का एक द्वार, हरि का एक प्रेम की नगरी, देवों की नगरी, ऋषि मुनियों की नगरी, सात्विकता की नगरी। और आज इसी नगरी में एक ऐसे पावन व्यक्तित्व से मुलाकात होना सौभाग्यशाली होता है। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्ति विशेष, स्वामी प्रेमानंद जी, जिनका पूरा नाम स्वामी प्रेमानंद गिरी जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे डिफ़िकल्ट मोड से निकल कर सात्विकता को अपनाया, ईश्वर्य को अपनाया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं स्वामी श्री प्रेम जी महाराज जी से। प्रणाम स्वामी जी, मैं हूँ हीरा योगी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं आज आपसे मिलकर बड़ा धन्य महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में आप के जो विचार हैं, हम यूथ में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही बहुत लाभकारी हैं। तो आज मेरा मिलने का पर्पस भी यही है आपसे, कि जो इस समय समाज में कठिनाइयां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, जो युवा है बड़ा ही पजल हो जाता है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा उद्वेग में आ जाता है और परेशानियों से लड़ते हुए घबरा जाता है, तो उसको एक सीधा सात्विक मार्ग कि वो आने वाली कठिनाइयों से अपने आप को कैसे बचाए, अपने आप को ऐसे द्वंद्वों से कैसे निकाले, क्योंकि इस समय हमारे यूथ के अंदर में स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा दूर लगाव होता जा रहा है, तो उसको साधारण वे में बताएं कि उनकी हेल्प कैसे हो सकती है स्पिरिचुअलिटी से। द्वंद्व जो है एक जीवन में स्वाभाविक है जी, द्वंद्व से गुजर करके ही व्यक्ति जो है वो निर्द्वंद के जगत को समझता है, जानता है। लेकिन जब तक द्वंद्व से उसका सामना नहीं होता, तब तक अगली कड़ी को समझने का अपने पास कोई उपाय भी नहीं जी। तो युवा में द्वंद्व स्वाभाविक है। द्वंद्व है किस चीज़ को लेकर के, द्वंद्व है उसको अपने करियर को लेकर के जी, अपने भविष्य को लेकर के जी, अपनी जीविका के नए आयाम को लेकर। बिल्कुल सही, यही हो रहा है, ये द्वंद्व है। और ये द्वंद्व जो है प्रत्येक मनुष्य के साथ बिल्कुल संभव है, जुड़ा है जी, कि उसको द्वंद्व से गुजरना ही पड़ेगा जी। लेकिन द्वंद्व से गुजर करके और द्वंद्व को देख करके कुछ अनुभव और अनुभूति के दरवाजे भी मनुष्य के सामने खुलते हैं जी, इसको भी जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है जी। तो द्वंद्व में हम इतना ना भटकें, जीविका के चक्कर में हम इतना ना भटकें कि जीवन से हमारा संबंध जो है वो अछूता रह जाए। मतलब जिस चीज़ के दौर में हम भाग रहे हैं बिल्कुल उसके अंदर में अपने आप को पूरा सब मिलाए ना, अपने आप को उसमें डिसॉल्व ना करें। बिल्कुल, क्योंकि जीवन प्रथम है, जीविका द्वितीय। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम स्वस्थ रहेंगे मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, तो हम जीविका भी अच्छी कमाएंगे और हमारे कार्य भी ठीक होंगे, यही कहने का मतलब है। बिल्कुल। सो जीवन बहुआयामी है, जीविका उसका एक हिस्सा है जी, लेकिन कभी भी जीविका जो है वो जीवन से बढ़ करके नहीं। तो जब हम इतना समझते हैं तो एक भीतर आदमी के सेटिस्फैक्शन का एक भाव पैदा होता है, एक संतोष पैदा होता है कि नहीं हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन उस प्रयास में हम अपने को इतना ना खो देंगे कि हम विचित्र हो जाएंगे। तो उस विचित्रता से बचाने का जो विज्ञान है जी, भारतीय मनीषा ने जो अनुसंधान किया जी, उस विचित्रता से अपने को हटाने का, अपने को दूर लाने का और अपने से अपने को जोड़ने का, उस कला का नाम ही अध्याय। तो आप हमें कुछ जो यूथ को कुछ ऐसी चीज़ बताएं, या कुछ जैसे आपने एक शब्द यूज़ किया साइंस यानी विज्ञान, हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान बहुत ही अच्छा रहा है और आज पूरा वर्ल्ड उस पर रिसर्च भी करता है, तो कुछ ऐसा बताएं इनका बहुत, जैसे सबसे बड़ी समस्या आती है कि मेरा मन परेशान है, और वो मन का एक वर्ड आ गया, जैसे मन से किस्म से आते हैं, हर चीज़ को मन पे ले जाते हैं, उनको सोने का है तो मन को कहते हैं, खाने का तो मन नहीं है, रहने का तो मन नहीं है, और उनको यही नहीं पता कि मन है क्या। सबसे पहले तो ये चीज़ होगी कि हम मोटिवेट जो है हम किस जगह से होते हैं जी, किस परिस्थिति में होते हैं। तो
सबसे चीज ये होगा कि पहली चीज कि जब हम एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से हम परिचय बनाएंगे जी, तो सबसे जो पहली कड़ी आती अध्यात्म की वो जो है हमारा ध्यान, ध्यान वो हमारी एक साधना है। पर्टिकुलर जो है हम अपने चित्त को एक दूसरी दिशा में मोड़ते हैं, जो भागम भाग की दिशा नहीं होती है, जो चित्त को विश्राम में ले जाने की दिशा होती है। चित्त मतलब मन, प्रभु मन की, उनको विश्राम में ले जाने की दिशा होती है। और उसका जो प्रथम तल है जी, प्रथम केमिया है, उसी का नाम ही साधना है। हम शुरू करते हैं अपने को व्यवस्थित करना, जो हलचल हमारे भीतर है, जो छिन्न भिन्न धारा है, हम कट कट के कभी इधर कभी उधर, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, ये जो भागम भाग है इसको व्यवस्थित करने का जी जो तरीका है वो तरीका ध्यान है। तो आप थोड़ा सा हमें ध्यान के बारे में बताएं कि जो हम 16 साल से 18 साल और जो युवावस्था है 18 से 24 और कभी कभी तो 30 तक, इस एज के जो ग्रुप लोग हैं जिसमें जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे शादीशुदा हों चाहे जवान बच्चे बच्चियाँ हों, ये ध्यान से थोड़ा पजल हो जाते हैं। तो ऐसी सरल विधि बताएं जो इनको बहुत बहुत लाभ पहुँचाए, इनकी लाइफ को चेंज कर दे मिरेकल। हम ये कह सकते हैं कि ध्यान तो वो भी है, लेकिन हो सकता है कि वो गलत ध्यान है। ध्यान एक बहुआयामी शब्द है जी, ध्यान जो है एक बहुउद्देशीय शब्द है। आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, एक आदमी गलत कृत्य भी जिसको हम कहते हैं, उसे कृत्य का गलत और सही होना तो एक मानवीय धारणा है जी। एक धारा उसी को सही कहती है, दूसरी धारा उसी चीज को गलत साबित करती जी। है, ये तो आदमी का अपना अपना हर परंपरा देश काल और परिस्थिति का नजरिया जी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो बाहर हमारा जगत है दृश्य का जी, जिसके पीछे हम भागते हैं कि मुझे ये चीज़ खोजनी है, मुझे ये चीज़ पकड़नी है, तो हम उस पर भी पर्टिकुलर ध्यान देते हैं। हाँ जी, देते हैं। लेकिन जब ये गति हमारी बहिर्आयामी होती है तो वो मुझे अपने से खाली करती है, मतलब हमें अपने से दूर कर देती है, अपने से दूर करती है, किसी दूसरे से जोड़ती है जी। लेकिन दूसरे से हम कितना भी जुड़ें जी, दूसरा दूसरा है, उसमें कभी हम जो है पूर्ण रूपेण खो नहीं पाते जी, एक अलगाव बना रहता है जी। और वही जो है हमारी सारी परेशानी का कारण बनता है कि मैंने कोशिश भी की, चीज़ मुझे मिल भी गई, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, अक्सर यही होता है, हर व्यक्ति को मिल भी जाता है, जैसे हम एक अच्छी जॉब चाहते हैं और अच्छी जॉब पाने के बाद हमें कहते हैं कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे। बाहर का गणित ही यही है। अच्छा, तब तक जब तक मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं, बिल्कुल तब सही तक का। लगता है कि बड़ा बड़ा प्यारा है जी, लेकिन जैसे वो चीज़ आपके हाथ में आते हैं, आप उनको थोड़े दिन रखते हैं, तो धीरे धीरे जिस अर्थ को मान के आपने उनको खोजा था जी, उस अर्थ में एक व्यर्थता नजर आने लगती। बिल्कुल सही कहा। जैसे कि मैंने देखा कि हमारे माता पिता कहते हैं कि सरकारी जॉब करो, और वो 60 साल तक जॉब करते हैं, उसके बाद वही जॉब छोड़ने के लिए कहते हैं कब मेरा रिटायरमेंट हो जाए, कब मैं इससे मुक्ति पाऊँ। तो गुरु जी, ऐसा भी मैंने देखा है कि हम पहले जिसको पाया फिर उसको छोड़ा, और तो पाने और छोड़ने के बीच में भी लोग शांति चाहते हैं, उसका क्या मार्ग है? अब यही है जो मुख्य उद्देश्य हमारा, कहने का यही है जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं जी, कि जो भी है पर से हम कभी जुड़ नहीं सकते, पर से हम कितना भी मेरे नज़दीक आए कोई, लेकिन दूसरा हमेशा दूसरा ही रहता है जी। इसके विपरीत जो भारतीय मनीषा ने एक दूसरा आयाम तोड़ा जिसको अध्यात्म का है, वो क्या है? वो पर के बजाय स्वयं से जुड़ना जी। जो मेरी बाह्य गति थी, जो दूसरे के साथ जुड़ने के लिए हम अपनी ऊर्जा का व्यय कर रहे थे जी, वही हम अपनी तरफ वापस ले आते हैं अपने सारे दिल जी, हम एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। तो जो ऊर्जा हमारी बाहर की तरफ जा रही थी, बाहर की चीज़ों में भटक रही थी और खोज रही थी नहीं इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, तो जैसे जैसे धीरे धीरे व्यर्थता नज़र आती है कि मैं खोज रहा था वो चीज़ मुझे मिली थी, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो एक आघात लगता है आदमी को कि नहीं ये नहीं, मार्ग कोई और हो सकता है।
लेकिन गुरु जी एक प्रश्न और उठ गया, आपने बोला कि जब कोई भी चीज़ बाहर से आती है तो वो थोड़ा द्वंद्व पैदा करती है और वो अपनी हो नहीं सकती। तो अब जब हम किसी संबंध में बनते हैं, जब हम जैसे शादी का मानिए कि स्त्री हमारे जीवन में आई, या हम हमारे जीवन में जब स्त्री पुरुष साथ रहे, उनके एक बच्चा जीवन में आया, तो एक मोह पैदा होता है, तो क्या ये भी उसी श्रेणी में आएगा? बिल्कुल, मोह पैदा होता है, मोह बुरा नहीं है, लेकिन मोह की अति जो है वो बुरी। जी, शास्त्र कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जे, अति सर्वत्र वज्रे वर्जे वर्जे, अति जो है वो सब जगह घातक होती है। एक बच्चा है, वो संयोग है कि वो मेरे यहाँ आया, जी ठीक है, आपके माध्यम से, माँ पिता के माध्यम से एक तीसरा उतरा, लेकिन तीसरा उतरा किसी और कृपा से, वो मेरा प्रयास नहीं था। राइट, किस हमारा प्रयास नहीं था, राइट, किसी ने दिया जी, और जिसने भेजा उसको, तो धार्मिक आदमी ये बखूबी समझता है कि मैं एक निमित्त मात्र हूँ इसके लिए, मैं एक बहाना, ठीक है, मेरा कुछ दायित्व है, मेरे घर में ये बच्चा आए हैं, मेरा एक दायित्व है कि हम इनका संरक्षण करें, जो हमसे होता है उतना हम करते हैं। लेकिन ये भाव हमेशा धार्मिक आदमी के भीतर बना रहता है कि ये किसी अदृश्य सत्ता के उपहार हैं, तो ना कभी उन पर कोई बर्डन डालता है और ना कोई कभी उनका बर्डन लेता है। नो प्रॉफिट नो लॉस में धार्मिक आदमी जो है अपने कार्य व्यवहार को चला। जी जी, धार्मिक आदमी न त्यागी हो सकता है न भोगी हो सकता है, उसका जस्टिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, वो देखता है समय ने उसको जो उपहार दिया है, जो व्यवस्था दी है, वो उसका उपयोग करता है। जी, मतलब वो बंधन में नहीं बनता, मतलब उनके साथ रह के कह सकते हैं ना, बंधा भी रहेगा। अच्छा। लेकिन ना बंधने जैसा, सब कुछ करेगा लेकिन ना करने जैसा, यही खोज है भारतीय मनीषा। गुरु जी, अब आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न है, हम जो ध्यान दें, ध्यान की कोई छोटी सी सरल विधि आप हमारे साथ शेयर करें, हमें बताएं, जो सबके काम है, बहुत सिंपल हो, स्वच्छ हो, क्योंकि अभी हम देखते हैं तरह तरह के ध्यान भी आ गए हैं और कुछ लोग उसमें ही पजल होने लगे हैं, वो द्वंद हो जाता है। अब जो हमारे ट्रेडिशन, जो हमारी भारतीय संहिता, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो सिंपल चीज़ की है, हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करें। अब ध्यान के संबंध में तमाम सारी धारणाएं जी, हर आचार्य के अपने अपने तौर तरीके हैं जी, हर परंपरा का अपना अपना ढंग है जी, चूंकि ध्यान जो है नितांत वैयक्तिक विषय है, हर आदमी पे, एक व्यक्ति पे जो विधि काम करती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो अगले व्यक्ति पे काम करे। ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये होगा कि आपको अपने मन को समझना होगा और उस समझने के लिए एक उपाय जो है किया जाता है, कुछ विधियां हैं जी, जो मतलब सार्थक होती हैं, लेकिन अब कोई ज़रूरी नहीं पर्टिकुलर कि मैं जिस विधि का जो है आपके सामने मैं उल्लेख करूंगा या कहूंगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस सब पर काम करे, लेकिन कुछ पर तो काम करेगी। बिल्कुल, कुछ पर काम, लेकिन ये है कि सबसे पहली जो विधि मुझे लगता है, जो सरल से सरल तरीका होता है, वो हमें अपने जो आती और जाती, जो मेरे श्वास की जो प्रक्रिया है जी, हमें इसको देखना होगा जी, बैठ करके शांत समय में, संध्या, दोपहर या शाम, जब भी जिसके अनुकूल अपना समय बनता हो जी, कोई जरूरी नहीं है, कोई व्यक्ति होते हैं उनके लिए दोपहर का समय उपयोगी है, कोई व्यक्ति होते हैं उनके लिए शाम का समय उपयोगी हो सकता है, कोई व्यक्ति होंगे उनके लिए सुबह का समय उपयोगी होगा, तो किसी भी एकांत जगह में बैठ के जी, सिर, रीढ़ और गला, इन तीनों को सीधा करके, मतलब मेरुदंड जो है, मेरुदंड जो है उसको बिल्कुल सीधा रख करके और आँख को हल्का बंद करके, ना पूरा खुली हो और ना खुली, और वो आदमी अपने भीतर आती और जाती श्वास का वो निरीक्षण करें जी। सर गुरु जी, वो जो स्वाभाविक श्वास है, स्वाभाविक श्वास जी, स्वाभाविक श्वास है, पहले जो है आप स्वाभाविक श्वास को ही पकड़ें, क्योंकि वो जो स्वाभाविक श्वास है वो हमारी जो है बिल्कुल प्राकृतिक क्रिया है जी, हमने उस पर कोई जोर नहीं दिया है, वो स्वयंभू है
जी जब हम आए हैं वो मेरे साथ आई जी, और उस स्वयंभू से ही परिचय बनाना यही प्राथमिकता है जी। और जो हम कुछ प्रयोग करते हैं वो जो है एक आविष्कार है कि भाई कोई तेज सांस लेके कोई धीमा सांस करके, लेकिन एक जो पर्टिकुलर हमारी सांस जो चलती है जिसे छोटा बच्चा होते हैं वो सो रहे हैं उनको भी प्राणायाम का पता नहीं है, उनको भी रेचक पूरक या कुंभक का पता नहीं है, लेकिन जब आप उनका पेट देखेंगे तो उनकी नाभि तक पूरी सांस आती है। छोटा बच्चा का पेट पूरा खुलेगा, जब सांस खाली करेंगे तो नीचे आएगा, हमेशा उनकी श्वसन जो है वो नाभि तल से होता है जी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो पीछे से चीज छोड़ती जाती है, फिर छाती तक आ जाती है। आप 40-42 साल के आदमी को आप सोते देखेंगे तो उनका पेट बिल्कुल ठीक होगा, सिर्फ छाती खुलेंगे खुलेंगे बंद। तो जितना श्वसन उथला होता है उतना ही व्यक्ति के भीतर बेचैनी परेशानी हैरानी ये बढ़ती है। मतलब आपका कहने का मतलब है जब किसी को कोई समस्या आती है तो उसकी सबसे ज़्यादा उद्वेग आएगा उसकी सांसों पे पहले आएगा, सबसे पहले श्वास पे आएगा। श्वास अगर आपका सम है, श्वास की गति स्थिर है सामान्य, तो बहुत सारे संवेग जो मतलब मानवीय व्यवहार के हैं उन पर स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है, करने की कोई जरूरत नहीं। तो यही एक सरलतम विधि है जो हर आदमी अपना सकता है। हाँ, मुझे लगता है जहाँ तक मेरी अपनी समझ है कि वो बैठे अपनी श्वास का निरीक्षण करें और धीरे धीरे, पहले तो कठिन लगेगा, पहले मजाक जैसा भी ये लग सकता है, अरे पता नहीं क्या बता रहे हैं क्या कह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका एक अभ्यास गहरा होगा, जैसे जैसे उसके अपने भीतर का रस मिलना शुरू होगा, जैसे जैसे उसके भीतर एक स्थिरता पैदा होगी, तो उसको अपना एक आत्म अनुभव एक सेल्फ रियलाइजेशन जो है उसको होना शुरू होगा। ये मेरा दावा, मतलब आत्म साक्षात्कार होने तक वो पहुंच सकता है इस सिंपल सी विधि से। अब ये हम है कुछ चीज़ें हैं जो भाषा में कही जाती जी, कुछ चीज़ें जो हैं वो भाषा के पार, तो अनुभव जितना भी है वो भाषा के पार है जी। तो कभी भी हम ये तो नहीं कह सकते कि तो ये सब थोड़ा मुझे कठिन लगता है, हैरान कर नहीं गुरु जी, लेकिन आपने जो बोला मैं इससे पूर्णतः सहमत भी हूँ। गुरु जी एक छोटा सा प्रश्न है, थोड़ा सा आप हमें क्रिया योग के बारे में बताएं, बस थोड़ी सी मात्र डेफिनेशन कि थोड़ा सा जिसे हम उसको समझ सकें, थोड़ा सा तो बोल दीजिए गुरु जी। ठीक है गुरु जी, कोई बात नहीं है, अगली बार हम आपसे प्रश्न जरूर करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना प्रेम अपने नाम की तरह हम पर नौछावर किया, आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, ये वीडियो जो मेन पर्पज़ है इसका पर्पज़ ये होता है कि हमारे जो स्पिरिचुअलिटी है जो हमारा एक्चुअल योगी हैं इन, आपको थोड़ा सा बताता हूँ, स्वामी प्रेम जी ने अपना 21 साल में ही घर को त्याग किया और सांसारिक बंधनों से निकले, आ रही इज़ ए वेरी एजुकेटेड, इन्होंने उस टाइम पे मास्टर्स किया और उसके बाद इन्होंने सत्य की खोज पे निकले और ये बहुत जगह भटके, जब भटकने के बाद जब इनको समझ आया कि भैया कहीं भटक भटक के कुछ नहीं मिलने वाला, तो इन्होंने अपने आप को समझा कि वास्तविकता क्या हो रही है। और आज इनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, मतलब इन्होंने मेरे जीवन में भी बदलाव लाया कि जगह जगह मत भटको, कोई फायदा नहीं होने वाला, आप एक जगह अपने तन से अपने मन से और पूरे विवेक से लगे रहो तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ईश्वरीय प्राप्ति भी आपको होगी, समृद्धि भी प्राप्ति भी होगी और खुशी भी प्राप्ति होगी। आप सबको मेरा प्रणाम, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड ये सब लोगों तक पहुँचे, ये जो ज्ञान इन्होंने ध्यान का बताया सब लोग इसका पालन करें। प्रणाम, हम सबका मंगल हो, हम सबका मंगल हो, हम सबका मंगल। हरिओम।